दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैंने टॉप 4 बेस्ट 5G फीचर लोडेड स्मार्टफोन सेलेक्ट किए हैं। इन स्मार्टफोनों के अंदर आपको किसी फीचर में कंप्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा, ऑलराउंड स्मार्टफोन है। ओवरऑल आपको टॉप नॉच लेवल का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, फ्लेक्सिबल लेवल की डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर, बैटरी चार्जिंग एकदम नेक्स्ट लेवल की देखने को मिल जाएगी। अगर आप कोई 20 से 25,000 की प्राइस रेंज में कोई बेस्ट स्मार्टफोन बाय करने का सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो के अंदर काफ़ी रिसर्च एनालाइज रिव्यू करने के बाद टॉप 4 बेस्ट 5G स्मार्टफोन सेलेक्ट किए हैं जो कि ऑलराउंडर हैं। विदाउट टाइम वेस्ट की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना। ओके दोस्तों, इस लिस्ट का फर्स्ट स्मार्टफोन रहता है लावा की तरफ से, लावा अग्नि 2। स्मार्टफोन रिसेंटली लॉन्च हुआ है, काफ़ी अच्छे प्रीमियम फीचर ऑफर किए गए हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों इसमें आपको कर्व्ड प्लस AMOLED 6.78 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। 1 बिलियन कलर्स का सपोर्ट है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, HDR10 प्लस की सपोर्ट है एंड साथ ही डिस्प्ले के अंदर आपको 950 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। आउटडोर में भी स्मार्टफोन को इजीली यूज़ कर पाओगे लाइक सनलाइट में भी। ओके इसमें आपको चिपसेट देखने को मिलेगा ऑक्टाकोर मीडियाटेक डायमेंसिटी वाला 7050 नैनोमीटर के साथ आता है। एंड्रॉइड वर्जन 13 पर बेस्ड है, 8GB 256GB के बेस वेरियंट से आता है। रियर पार्ट में क्वाड कैमरा सेटअप है, 50 MP का प्राइमरी कैमरा, 8 MP का अल्ट्रावाइड, 2 MP का मैक्रो, 2 MP का डेप्थ, 4K/30fps में आप मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट में आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, OTG सपोर्ट करता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, 4700mAh की बैटरी है, 66W की फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपको सिर्फ एक कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लू। ओके बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूँ, 210 ग्राम का वेट है और 8.8mm की थिकनेस है। बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, प्रीमियम डिज़ाइन के साथ आता है। स्मार्टफोन आपको 20,000 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएगा, डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं इस स्मार्टफोन को। ओके बात करते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में जो कि रहता है मोटोरोला की तरफ से S30। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको काफ़ी अच्छी प्रीमियम डिज़ाइन के साथ टॉप नॉच लेवल के फीचर ऑफर किए गए हैं। AMOLED 6.5 इंच की डिस्प्ले, 1 बिलियन कलर्स की सपोर्ट है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, साथ ही इसमें आपको HDR10 प्लस की सपोर्ट देखने को मिलेगी, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है। डिस्प्ले के अंदर आपको काफ़ी अच्छे फीचर दिए गए हैं। चिपसेट इसमें आपको देखने को मिलेगा दोस्तों ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन वाला 778G प्लस 5G 6 नैनोमीटर के साथ आता है, अपग्रेडेबल एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है, 6GB 128GB का बेस वेरिएंट है। रियर पार्ट में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 50 MP का प्राइमरी कैमरा, 50 MP का अल्ट्रा वाइड जो कि काफ़ी वाइड आपको देखने को मिलेगा, 2 MP का डेप्थ लेंस, 4K 30fps में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं रियर कैमरे से। फ्रंट में 32 MP का सेल्फी कैमरा है, पावरफुल प्रोसेसर की वजह से आप फ्रंट से भी 4K/30fps में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 4020mAh की बैटरी जिसके साथ आपको 33W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। एंड डिज़ाइन आपको इसलिए प्रीमियम देखने को मिलेगी बिकॉज बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और 6.8mm की थिकनेस देखने को मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, 155 ग्राम का वेट है, बहुत ही ज़्यादा ये स्मार्टफोन लाइट वेट है। वाटर रेपेलेंट डिज़ाइन के साथ आता है, बैक फ्रेम प्लास्टिक के हैं, नो डाउट काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं इस प्राइस पॉइंट पर। नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करें जो कि रहता है वीवो की तरफ से IQ7। दोस्तों ये स्मार्टफोन भी आपको 20,000 के अराउंड देखने को मिलेगा। AMOLED 6.62 इंचेस की डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, HDR10 प्लस की सपोर्ट है, 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, 86.6% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। डिस्प्ले आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। चिपसेट के बारे में बात करें, ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन वाला 888 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 5 नैनोमीटर के साथ आता है, एंड्रॉइड वर्जन 11 पर बेस्ड है, फ्रंट टच 11.1 पर रन करता है, नो डाउट काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, 8GB 128GB के बेस वेरिएंट से आता है, UFS 3.1 टाइप की स्टोरेज है। रियर पार्ट में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 48 MP का प्राइमरी कैमरा, 13 MP का टेलीफोटो एंड 13 MP का अल्ट्रावाइड लेंस है, 4K/60fps तक में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट में 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, स्टीरियो स्पीकर्स हैं, OTG सपोर्ट करता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, USB Type-C 2.0, 4000mAh की बैटरी है जिसके साथ आपको 66W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। ग्रे, ब्लू, वाइट, लीजेंड ये 4 प्रीमियम कलर स्कीम इस स्मार्टफोन के अंदर IQ ने ऑफर की हैं। एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें दोस्तों, 209.5 ग्राम का वेट है, साथ ही इसमें आपको 8.7mm की थिकनेस देखने को मिलेगी, नो डाउट बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं आप वीवो IQ7 को इस प्राइस पॉइंट पर। ये स्मार्टफोन भी काफ़ी ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी है। ओके अब बात करते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में जो कि रहता है इस लिस्ट का फोर्थ एंड लास्ट स्मार्टफोन, शाओमी की तरफ से POCO X5 Pro। दोस्तों ये एक ऑलराउंड स्मार्टफोन है, इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इसमें आपको किसी फीचर में कोई कंप्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा लाइक बैटरी चार्जिंग डिस्प्ले कैमरा सेटअप प्रोसेसर सारे आपको एकदम नेक्स्ट लेवल देखने को मिलते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा।
दोस्तों सबसे पहले स्टेप बाई स्टेप बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों देखिए, इसमें आपको AMOLED 6.67 इंच की डिस्प्ले दी गई है, 1 बिलियन कलर्स की सपोर्ट है डिस्प्ले के अंदर, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, डॉल्बी विजन HDR 10 प्लस की सपोर्ट, 900 नीट्स की पीक ब्राइटनेस, 86.8% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो, नो डाउट गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। ओवरऑल फीचर लोडेड डिस्प्ले है इस स्मार्टफोन की। इसमें आपको चिपसेट देखने को मिलता है ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस 5G, जो कि 6 नैनोमीटर के साथ आता है। एंड्रॉइड वर्जन 12 पर बेस्ड है, MIUI 14 पर रन करेगा, जो कि पोको की तरफ से यूजर इंटरफेस आता है। 6GB 128GB का बेस वेरिएंट है, UFS 2.2 टाइप की स्टोरेज है, रियर पार्ट में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 108 MP का प्राइमरी कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का मैक्रो, 4K 30fps में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट में 16 MP का सेल्फी कैमरा है, स्टीरियो स्पीकर्स हैं, 3.5mm का जैक है, OTG सपोर्ट करता है, USB टाइप सी 2.0 है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। स्मार्टफोन के अंदर सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी दी गई है, 5000mAh की बैटरी है, 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको काफ़ी अच्छी फास्ट चार्जिंग दी गई है। ओके, इसमें आपको प्रीमियम 3 कलर स्कीम दी गई है, एस्ट्रेल ब्लैक, हॉरिजन ब्लू, पोको येलो। ओके, अंतुतु स्कोर के बारे में बात करूं तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का अंतुतु स्कोर जाता है 531,398, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है। एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें आपको बैक फ्रेम दोनों आपको प्लास्टिक के देखने को मिलेंगे। डिस्प्ले के अंदर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है, 181 ग्राम का वेट है, 7.9mm की थिकनेस है। ये स्मार्टफोन लाइट वेट, कॉम्पैक्ट और स्लिम भी है। साथ ही डिज़ाइन के बारे में बात करूं तो दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको एज इट इज़ आपको यही डिज़ाइन देखने को मिलेगी, जो कि आप ऑफिशियल वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं। बाकी अगर आपको वीडियो को लाइक कर देना, आप इनमें से कोई से भी स्मार्टफोन परचेस कर सकते हैं। चारों स्मार्टफोन बेटर वैल्यू फॉर मनी है, अपनी प्रायोरिटी या फिर नीड के अकॉर्डिंग कोई सा परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एक ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो में। दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।